Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Next time sizi usko discuss karenge. Which of the following is the writer of Inder Sabah? Inder Sabah ke writer ka naam kya hai? Amanat Chand Lakhvi. Inder Sabah ke writer ka naam hai Amanat Chand Lakhvi. Cyprus was divided into Greeks and Turkish parts in 1970. Cyprus jo hai usko Greek aur Turkish parts ke andar 1970 mein divide kiya gaya tha. Cyprus को ग्रीक और तुर्कश पार्ट्स के अंदर 1970 में डिवाइड किया गया था. Which international organization was founded on 25th May 1981? 25 मई 1981 को कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को. 25 मई 1981 को गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है उसको बनाया गया था. नेक्स्ट में आएगा पोइट्री ऑफ पहली बारिश. पहली बारिश के पोइट्री किसने लिखी? नासिर काज़मी ने. पहली बारिश जो पोइट्री है ये किसने लिखी थी? नासिर काज़मी ने. द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका. दुनिया का रकबे के लिहाज से भी दूसरा और आबादी के लिहाज से भी दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका. एंगर वाट ANGKOR के ओवर. एंकर वाट इज द एंशियन सिटी ऑफ कम्बोडिया. एंकर वाट जो है ये एक एंशियन सिटी है कहाँ का? कम्बोडिया का. फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट. सेनेट के पहले चेयरमैन का नाम है हबीबुल्लाह खान मरवत. सेनेट के पहले चेयरमैन का नाम है हबीबुल्लाह खान मरवत. ये सेनेट के पहले चेयरमैन हैं. व्हाट इज़ एंडेमिक डिजीज़? एंडेमिक डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ जनरली प्रिवेलेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया. व्हाट इज़ एन एंडेमिक डिजीज़? एक एंडेमिक डिजीज़ क्या होती है? अ डिज़ीज़ डैट जनरली प्रिवेलेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया. मतलब एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर जो एक डिज़ीज़ अगर फैल जाए तो उसे हम एंडेमिक डिज़ीज़ कहते हैं. व्हाट इज़ 11 इन बाइनरी? 11 बाइनरी के अंदर क्या होता है? 1011. 11 का जो वर्ड है ये जो हिंसा है ये बाइनरी के अंदर क्या होगा? 1011. अमीर तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन 1398. अमीर तैमूर ने इंडिया के अंदर 1398 के अंदर इन्वेजन की. अमीर तैमूर ने इंडिया को 1398 के अंदर इन्वेड किया था. फैसल मास्क इन इस्लामाबाद वाज डिज़ाइंड बाय तुर्कश आर्किटेक्ट. फैसल मास्क को इस्लामाबाद के अंदर एक तुर्कश आर्किटेक्ट था उसने इसको डिज़ाइन किया था. फैसल मास्क इन इस्लामाबाद वाज डिज़ाइंड बाय अ तुर्कश आर्किटेक्ट. विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन? वो पहला मुल्क कौन सा है जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन को उसकी बुनियाद रखी? जर्मनी. विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन? तो जर्मनी जो है उसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन की बुनियाद रखी है. कार्लस डिग्यूलो. कार्लस डिग्यूलो एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन पेरिस. चार्लस डिग्यूलो एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर वाकई है? पेरिस के अंदर. द वर्ल्ड एग्रीकल्चर शॉर्ट. एग्रीकल्चरल शॉर्ट इज़ नाउन टू बी यूज समटाइम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? तो ये क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट की कैटेगरी के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है. द वर्ड एग्रीकल्चरल शॉर्ट जो है ये किस हवाले से इस्तेमाल किया जाता है? ये क्रिकेट की स्पोर्ट जो है उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चरल शॉर्ट को. रमज़ान इज़ द 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर. रमज़ान का जो महीना है वो इस्लामिक कैलेंडर का 9th महीना होता है. रमज़ान का महीना 9th महीना होता है इस्लामिक कैलेंडर का. नेक्स्ट है यूनस खान इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू कंप्लीट 10,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट. हु वाज द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 10,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेटर? तो वो हैं सुनील गवास्कर. यूनस खान जो हैं वो पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10,000 रन्स कंप्लीट किए टेस्ट क्रिकेटर के अंदर. लेकिन सबसे पहले वो कौन से बैट्समैन थे जिन्होंने 10,000 स्कोर रन किया था? तो वो थे सुनील गावस्कर. खुद सुनील गावस्कर जो हैं ये पहले थे क्रिकेटर. नेक्स्ट है वोल्गा. वोल्गा इज़ द मेन रिवर ऑफ रशिया. वोल्गा एक मेन रिवर है, दरिया है. कहाँ का? ये रशिया का एक दरिया है. नेक्स्ट है किलाम जोशी. CHILAM. चिलाम जोशी इज़ द फेस्टिवल ऑफ कैलाश. चिलाम जोशी जो है ये एक त्यौहार है. कहाँ का? कैलाश का ये एक त्यौहार है. नेक्स्ट है एमिकस क्यूरी. एमिकस क्यूरी क्या चीज़ है? फ्रेंड ऑफ कोर्ट एंड डिसइंटरेस्टेड एडवाइज़र. एमिकस क्यूरी इज़ अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट एंड डिसइंटरेस्टेड एडवाइज़र. ये एमिकस क्यूरी एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है फ्रेंड ऑफ कोर्ट एंड डिसइंटरेस्टेड एडवाइज़र. व्हाट डज टू बी इन टू माइंड्स मीन? टू बी इन टू माइंड्स का क्या मतलब बनेगा? टू बी अनसर्टन.
टू बी इन टू माइंड्स का क्या मतलब बनेगा, टू बी अनसर्टन इसका मतलब बनेगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस सूट, इनमें से कौन सा जो है वो एमएस ऑफिस यानी कि स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं है, तो वो है फाइल मैनेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस सूट, तो यह है फाइल मैनेजर। साइमन कमीशन इंक्लूडेड नो इंडियन, साइमन कमीशन जो है उसमें कितने इंडियन शामिल थे, उसके अंदर कोई भी इंडियन शामिल नहीं था। द नेम ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इज JF-7 Thunder, पहला पाकिस्तान का जो एयरक्राफ्ट था उसका नाम क्या था, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट का JF-7 Thunder, JF-7 Thunder ये पहला पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट था। द वर्ल्ड फेमस न्यूज़ मैगजीन टाइम इज़ बीइंग पब्लिश्ड फ्राम यूनाइटेड स्टेट सिंस 1923, दुनिया का मशहूर तरीन मैगज़ीन में से टाइम मैगज़ीन जो है ये कहाँ से शाया होता है, ये यूनाइटेड स्टेट से, और ये कब से शाया हो रहा है, 1923 से, 1923 से। हु इज़ द ऑथर ऑफ़ द बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन, पॉलिटिक्स अमंग नेशन ये बुक किसने लिखी है, मॉर्गन दो ने। हु इज़ द ऑथर ऑफ़ द बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ये बुक लिखी है मॉर्गन दो ने। हाउ मच आर्मी वॉज ब्रॉट बाई अब्राहा टू डिमोलिश काबा, अब्राहा जो है वो कितनी ज़्यादा आर्मी लेकर आया था काबे के ऊपर हमला करने के लिए, 60,000 की आर्मी। हाउ मच आर्मी वॉज ब्रॉट बाई अब्राहा टू डिमोलिश काबा, 60,000 की जो आर्मी है वो लेकर आया था। अ फिलिपीन प्रोजेक्ट बिटवीन रशिया एंड तुर्की इज़ नेम्ड एज तुर्क स्ट्रीम, अ पाइप लाइन प्रोजेक्ट बिटवीन रशिया एंड तुर्की, रशिया और तुर्की के दरमियान एक पाइप लाइन प्रोजेक्ट जो है उसका नाम है तुर्क स्ट्रीम जो है वो उसका नाम है। हीट थ्रो एयरपोर्ट, हीट थ्रो एयरपोर्ट इज़ द एयरपोर्ट ऑफ लंदन, हीट थ्रो एयरपोर्ट जो है ये लंदन का एयरपोर्ट है। इंटरनेट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1960s, इंटरनेट जो है ये पहली मरतबा 1960 की दहाई में डेवलप किया गया, इंटरनेट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1960s, 1960 में। इन एमएस वर्ड द एक्सटेंडेड अ सिलेक्शन वन स्क्रीन डाउन प्रेस शिफ्ट प्लस पेज डाउन, अगर यानी कि एमएस वर्ड के अंदर हम एक पेज नीचे जाना चाहते हैं तो हमें शिफ्ट प्लस पेज डाउन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सिल्वर टांका, सिल्वर टांका द बेसिक ऑफ मॉडर्न रुपी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्तमश, सिल्वर टांका द बेसिक ऑफ मॉडर्न रुपी जो यानी कि मॉडर्न रुपीज़ के अंदर की बुनियाद जो है वो किसने रखी थी और किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, अल्तमश ने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा नेक्स्ट में आएगा कि उर्दू शायरी पर एक नज़र के मुसन्निफ़ कौन है, उर्दू शायरी पर एक नज़र कलीमुद्दीन अहमद ने लिखी, उर्दू शायरी पर एक नज़र ये इसके मुसन्निफ़ कौन है, कलीमुद्दीन अहमद। टीवी के मशहूर ड्रामा सीरियल सोना चांदी के मुसन्निफ़ कौन है, मन्नू भाई, टीवी के मशहूर ड्रामा सीरियल सोना चांदी के मुसन्निफ़ कौन है, उनका नाम है मन्नू भाई जो है वो उनका नाम है। What is the length of hockey ground side board? हॉकी के ग्राउंड साइड बोर्ड की तरफ जो यानी कि उसका हिस्सा होता है उसकी लेंथ होती है 1.22 सेंटीमीटर, हॉकी का वो हिस्सा जो ग्राउंड साइड की तरफ बोर्ड हुआ था वो उसकी लेंथ होती है 1.22 सेंटीमीटर। माउंट किनाबलो इज़ लोकेटेड इन मलाशिया, माउंट किनाबलो जो है ये मलाशिया के अंदर लोकेट है। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कम्प्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज़ इट्स गोल एंड इट्स सेशन हेल्ड एट लाहौर इन 1929, कांग्रेस डिक्लेयर्ड कम्प्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज़ इट्स सेशन हेल्ड एट लाहौर इन 1929। नेक्स्ट आएगा कि क्राकरम माउंटेंस इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट हैवीली ग्लेशिएटेड पार्ट ऑफ वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन, क्राकरम माउंटेन जो है ये यानी कि पोलर रीजन के आउटसाइड जो है सबसे ज़्यादा ग्लेशियर जो हैं वो क्राकरम रेंज के अंदर आते हैं, आउटसाइड ऑफ पोलर रीजन सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर उसके बाद आते हैं वो क्राकरम माउंटेन रेंज के अंदर आते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डिड हिज PhD फ्राम लीवन यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी PhD की डिग्री कहाँ से ली, आपने लीवन यूनिवर्सिटी बेल्जियम से आपने ये डिग्री हासिल की। विच सब्सटेंस इज़ यूज इन मैच स्टिक, जो माचिस की डिबिया होती है जो माचिस होती है उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल होता है मैच स्टिक के ऊपर, सल्फ़र। विच सब्सटेंस इज़ यूज इन मैच स्टिक, तो सल्फ़र जो है ये यूज़ होता है मैच स्टिक्स के अंदर। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी,
compressibility. The first woman governor of Pakistan is Begum Rana Liaquat Ali Khan. First woman governor of Pakistan, pehli woman governor Pakistan ki unka naam kya hai? Begum Rana Liaquat Ali Khan jo hai unka naam hai. Christopher Columbus who accidentally discovered America, wo kahan ka citizen tha? Italy ka. Christopher Columbus who accidentally discovered America was a citizen of Italy. वो कहां का रहने वाला था? वो इटली का सिटीजन था क्रिस्टोफर कोलंबस. नेक्स्ट है मैक्रोनी स्टाइल इज ऑफ विच लैंग्वेज. मैक्रोनी स्टाइल जो है ये कौन सी जुबान का स्टाइल है? बलोची का. मैक्रोनी स्टाइल इज ऑफ विच लैंग्वेज, ये बलोची का यानी कि स्टाइल है. अब्दुल रहीम चुगताई बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ आर्ट. अब्दुल रहमान चुगताई जो है वो कौन सी किस्म की आर्ट के यानी कि वो टाइप पर हैं? तो वो हैं पेंटिंग के. अब्दुल रहीम चुगताई बिलोंग टू विच टाइप ऑफ आर्ट, तो आप पेंटिंग करते हैं. आर्टिकल 25 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद इक्वलिटी ऑफ सिटीजनशिप. आर्टिकल 25 जो है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके साथ डील करता है? तो वो इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स के साथ जो है वो डील करता है. नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम ऑफ इनवेग. INVEIGH. इनवेग का सिनोनिम क्या बनेगा? रिमॉन्स्ट्रेट. इनवेग का सिनोनिम क्या बनेगा? रिमॉन्स्ट्रेट. नेक्स्ट है फैराडेज लॉ. फैराडेज लॉ इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडेज लॉ जो है ये किसके साथ एसोसिएट करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ एसोसिएट करता है. नेक्स्ट है विच गजवा इज मेंशनड इन सूरह इमरान. सूरह इमरान के अंदर कौन से गजवे का जिक्र आया है? गजवा बदर का. विच गजवा इज मेंशनड इन सूरह इमरान. सूरह आल इमरान के अंदर कौन से गजवे का जिक्र है? गजवा बदर का जिक्र जो है वो सूरह आल इमरान में है. किप्रस अ डिस्प्यूट आइलैंड इज डिवाइडेड बिटवीन तुर्की एंड ग्रीस. किप्रस जो है ये एक आइलैंड है जो कि डिस्प्यूटेड है बिटवीन तुर्की एंड ग्रीस, यानी कि तुर्की और यूनान के दरमियान किप्रस जो है वो डिस्प्यूटेड है. नेक्स्ट है ब्रॉड पीक. ब्रॉड पीक जो है वो एक पहाड़ी की रेंज है इन क्राकरम माउंटेन रेंजेस. ब्रॉड पीक जो है ये क्राकरम माउंटेन रेंजेस के अंदर आती है. ब्रॉड पीक क्राकरम माउंटेन रेंजेस के अंदर. विच आर द फॉलोइंग कंट्री एबॉलिश्ड मोनार्की इन 2008. 2008 के अंदर कौन से मुल्क ने मोनार्की को एबॉलिश किया? तो वो नेपाल था. 2008 के अंदर कौन से मुल्क ने मोनार्की को एबॉलिश किया? तो उस मुल्क का नाम था नेपाल. इन एमएस एक्सेल चार्ट विजर टर्म डेटा सीरीज रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ चार्ट डेटा मेकरस. एमएस एक्सेल के अंदर चार्ट विजर टर्म जो होती है डाटा सीरीज के लिए वो रेफ़र की जाती है, तो वो किस हवाले के लिए इस्तेमाल होती है? कलेक्शन ऑफ चार्ट डेटा मार्कर्स. नेक्स्ट है इन विच गेम क्ले कोर्ट इज़ यूज्ड. वो कौन सी गेम है जिसमें क्ले कोर्ट इस्तेमाल होता है? वो है टेनिस. इन विच गेम क्ले कोर्ट इज़ यूज्ड, तो टेनिस के अंदर. नेक्स्ट है लीबिया. लीबिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1951 अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग अद्रीस. लीबिया को 1951 में जो है वो इंडिपेंडेंस मिली थी अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग अद्रीस. किंग अद्रीस की लीडरशिप के अंदर लीबिया को 1951 में आज़ादी दी गई थी. नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर. रिंग ऑफ फायर क्या चीज़ है? तो ये पैसिफिक ओशन के अंदर पाई जाती है. रिंग ऑफ फायर इज़ एट्रीब्यूटेड टू पैसिफिक ओशन. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज फॉर्मड इन 1971. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब बनाया गया? 1971 को. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कि जिसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है और इसकी मीटिंग भी स्विट्ज़रलैंड में ही होती है अमूमन, तो ये बनाया गया 1971 के अंदर. हु गेव हजरत अस्वद टू हज़रत इस्माइल ड्यूरिंग द रिबिल्डिंग ऑफ हाउस ऑफ अल्लाह. अल्लाह ताला का जब घर बन रहा था यानी कि काबे की जब तामीर हो रही थी, तो हजरत अस्वद जो है वो कौन लाए थे? वो हज़रत इस्माइल को हजरत अस्वद किसने दिया था? तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम. हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने उनको हजरत अस्वद जो है वो अनायत किया था. नेक्स्ट आएगा इम्यूनल कैंट. इम्यूनल कैंट जो है ये एक फ़िलासफ़र था और इसका ताल्लुक था जर्मनी से. इम्यूनल कैंट जो है ये एक फ़िलासफ़र था और इसका ताल्लुक था जर्मनी से. नेक्स्ट है लिब्रेशन टाइगर. लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इयाम ऑफ श्रीलंकन सरेंडर्ड इन 2009 टू एंड द प्रोलॉन्ग्ड सिविल वार. तामिल टाइगर्स जो हैं यानी कि लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तामिल श्रीलंका के अंदर एक सिविल वार इन्होंने छेड़ दी थी और फिर 2009 के अंदर इन्होंने बाकायदा तौर पर सरेंडर किया था और सिविल वार जो है वो एंड हो गई थी.
उसके बाद है कि सरदार अब्दुल रब नश्तर वाज गवर्नर ऑफ पंजाब। सरदार अब्दुल रब नश्तर जो हैं वो कहाँ के गवर्नर हैं? पंजाब के। सरदार अब्दुल रब नश्तर वाज दी गवर्नर ऑफ पंजाब। द कीज़ यूज टू लॉक द कीबोर्ड विंडोज लोगो प्लस एल। कीज़ यूज टू लॉक द कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड को लॉक करने के लिए कौन सी कीज़ यूज़ होती हैं? विंडो लोगो प्लस एल जो है वो प्रेस अगर हम करें तो लॉक हो जाता है। नेक्स्ट है मेलन कोलॉय। मेलन कोलॉय क्या चीज़ है? इज़ पिटी। मेलन कोलॉय का सिनोनिम क्या बनेगा? मेलन कोलॉय पिटी। नेक्स्ट है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर इंटरनेशनली एज अर्थ डे। 22 अप्रैल जो है वो इंटरनेशनली तौर पर अर्थ डे के तौर पर मनाया जाता है। 22 अप्रैल जो है वो इंटरनेशनली तौर पर अर्थ डे के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है गिव द नेम ऑफ उमैया खलीफा वॉज फोर सन्स आल्सो बिकेम खलीफा आफ्टर हिम। वो कौन से उमैया खलीफा हैं कि जिनके जाने के बाद यानी कि जिनके बाद बाकी उनके सारे बेटे भी खलीफा बने? वो हैं अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक वो उमैया खलीफा हैं जिनके बाद उनके चार बेटे जो हैं वो भी खलीफा बने, उनका नाम था अब्दुल मलिक। नेक्स्ट है ब्रैड लॉफ हॉल। ब्रैड लॉफ हॉल हैज़ बीन द वेन्यू ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। इन विच सिटी इट इज़ लोकेटेड? तो ब्रैड लॉफ हॉल जो है ये ढाका के अंदर है। ब्रैड लॉफ हॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट वेन्यू है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और पाकिस्तान में, तो ये कहाँ पे लोकेट है? ये ढाका के अंदर लोकेट है। नेक्स्ट आएगा इब्ने बतूता। इब्ने बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक जब सब कॉन्टीनेंट के अंदर उसकी हुकूमत थी तो उस वक़्त इब्ने बतूता जो है वो हिंदुस्तान आया था। नेक्स्ट है कि व्हाट लेट्स टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन बाय सिलेक्टिंग रेडीमेड फ़ॉन्ट कलर एंड ग्राफिक्स इफ़ेक्ट इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर एक जब नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें रेडीमेड फ़ॉन्ट कलर और ग्राफिक्स को ऐड करने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है? डिज़ाइन टेम्पलेट। डिज़ाइन टेम्पलेट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इस मकसद के लिए। नेक्स्ट है फ़िरका बातनिया के मौजू पर क्लासिकी नावल फ़िरदौस बरी के मुसन्निफ कौन है? फ़िरदौस बरी के मुसन्निफ हैं मौलाना अब्दुल हलीम शरर। मौलाना अब्दुल हलीम शरर जो हैं वो फ़िरदौस बरी के मुसन्निफ हैं। उसके बाद है कर्नल मोहम्मद ख़ान की उर्दू अदब में वजह शोहरत। कर्नल मोहम्मद ख़ान की उर्दू अदब में वजह शोहरत है मज़ाह निगारी। कर्नल मोहम्मद ख़ान की उर्दू अदब में वजह शोहरत है मज़ाह निगारी। अच्छा नेक्स्ट उसके बाद है कि तहरीर में किसी भी नौ के जज्बे के इजहार के लिए रमूज़े औक़ाफ़ की जो अलामत इस्तेमाल होती है वो क्या कहलाती है? दोबारा सुने, तहरीर में किसी भी नौ के जज्बे के इजहार के लिए रमूज़े औक़ाफ़ की जो अलामत इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ़जाइया। उसको फ़जाइया कहते हैं। हक़ों पर मबनी मारूफ किताब और ओखे लोग ओखे ओ लड़के मुसन्निफ कौन है? मुमताज़ मुफ्ती। खाकों पर मबनी मारूफ किताब और ओखे लोग ओखे ओलड़े ये मुसन्निफ हैं, इसके कौन हैं? मुमताज़ मुफ्ती। मुंदरजा ज़ैल में से कौन मरसिया गोश शायर हैं? वो हैं मीर अनीस। मुंदरजा ज़ैल में से कौन मरसिया गोश शायर हैं? तो मीर अनीस जो हैं ये एक मरसिया गोश शायर हैं। मीर अनीस जो हैं ये एक मरसिया गो शायर हैं। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ क्रोशिया। कैपिटल ऑफ क्रोशिया इज़ ज़ैग्रब। क्रोशिया का जो यानी कि कैपिटल है वो क्या है? वो है ज़ैग्रब। करेंसी ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे की करेंसी क्या है? क्रोन। KRONE। नॉर्वे की करेंसी का नाम क्या है? क्रोन। नेक्स्ट आएगा कि फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड एट ढाका। सार्क की पहली समिट कहाँ पे हुई थी? ढाका के अंदर। फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड एट ये ढाका के अंदर हुई थी। एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन इज़ सिलिकॉन। एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन इज़ सिलिकॉन, यानी कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सिलिकॉन की ज़रूरत होती है। आ क्रोनोमीटर मेजर टाइम। क्रोनोमीटर एक डिवाइस होती है और वो इस्तेमाल होती है वक़्त को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है कि ऑन व्हाट डेट डिड द कराची स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश। कराची स्टॉक एक्सचेंज ये कब बनी? 18 सितंबर 1947 को। कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है ये 18 सितंबर 1947 को बनाई गई थी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो अल्फा रेज जो हैं ये पॉजिटिवली चार्ज
पार्टिकल होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तौर पर जो है वो यानी कि इवॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान 2000 इज़ द थ्री टायर सेटअप ऑफ लोकल गवर्नमेंट। सन 2000 के अंदर जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान यानी कि पावर निचले दर्जे तक ले जाने के लिए जो प्लान इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उसका यानी कि वो किस लिए था, वो लोकल गवर्नमेंट को पावर्स देने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ NRB। NRB का क्या मतलब बनेगा, नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो। व्हाट इज़ NRB, NRB से क्या मुराद है, NRB से मुराद है नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो। ऑन विच रिवर विल द कालाबाग डैम बी कंस्ट्रक्टेड, किस दरिया के ऊपर कालाबाग डैम बनाया गया, इंडस रिवर के ऊपर। ऑन विच रिवर विल कालाबाग बी कंस्ट्रक्टेड, कालाबाग का जो डैम है वो दरियाए इंडस के ऊपर अगर यानी कि वो बनेगा तो दरियाए इंडस के ऊपर वो बनाया जाएगा। अल्लामा इकबाल के मशहूर ज़माना मस्जिद कुरतबा उनके किस मजमू कलाम में है, तो वो बाल जबरील में है। अल्लामा इकबाल की मशहूर ज़माना नज़म मस्जिद कुरतबा के ऊपर उनकी किस मजमू कलाम में है, तो ये उनकी बाल जबरील के अंदर है, बाल जबरील के अंदर मस्जिद कुरतबा के ऊपर लिखी गई उनकी नज़म मौजूद है। नेक्स्ट है कराक्रम हाईवे इन पाकिस्तान। कराक्रम हाईवे पाकिस्तान को जो चाइना के साथ यानी कि लिंक करता है उसकी वो है 805 किलोमीटर का। कराक्रम हाईवे इन पाकिस्तान इज़ ऑफ 805 किलोमीटर इन लेंथ। नेक्स्ट है पाकिस्तान जॉइंड द IMF एंड वर्ल्ड बैंक ऑन 11 जुलाई 1950। पाकिस्तान ने IMF और वर्ल्ड बैंक को 11 जुलाई 1950 को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट बराज ऑन इंडस रिवर। इंडस रिवर के ऊपर सबसे पुराने बराज कौन सा है, सखर बराज। इंडस रिवर यानी कि दरियाए सिंध के ऊपर सबसे पुराना बराज जो है उसका नाम है सखर बराज। नेक्स्ट है कि फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर पब्लिश्ड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसका नाम था इमरोज़। पहला उर्दू न्यूज़पेपर डेली जिसका नाम था पब्लिश्ड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज इमरोज़, यानी कि हर रोज़ जो पब्लिश हुआ करता था फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर पाकिस्तान के बनने के बाद वो इमरोज़ था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो यानी कि इंस्टीट्यूशन मुतारफ़ करवाएगी उनका नाम क्या आता है, तो वो है पहला है NFC यानी कि नेशनल फाइनेंस कमीशन, दूसरा है NEC नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, और तीसरा है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI के नाम से जो है ये तीन इदारे जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। व्हाट इज़ मीन्ड बाय अल्लाह एट्रीब्यूट अलबारी, अल्लाह का यानी कि जो अलबारी, अलबारी का लफ्ज़ जो है इसका क्या मतलब बनता है, द मेकर। व्हाट इज़ मीन्ड बाय अल्लाह एट्रीब्यूट अलबारी, अलबारी जो अल्लाह ताला का नाम है इसका मतलब है दी मेकर यानी कि बनाने वाला। लॉज अबाउट इनहेरिटेंस वाज रिवील्ड इन 3 हिजरा। इनहेरिटेंस यानी कि विरासत के मतलब जो अहकाम उतरे थे वो 3 हिजरी को उतरे थे। विरासत के मतलब जो अहकाम नाजिल हुए थे वो 3 हिजरी को नाजिल हुए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड अमंग द अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा में से कौन शामिल हैं, तो वो हैं साद बिन अबी वकास। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड अमंग द अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा में से किन किन को शामिल किया जाता है, साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो अशरा मुबशरा में शामिल हैं। जबल नूर इज़ सिचुएटेड इन गारे हीरा, जबल नूर जो है वो कहाँ पर सिचुएट है, वो गारे हीरा के ऊपर सिचुएट है, मतलब सॉरी गारे हीरा जो है वो जबल नूर के ऊपर जो है वो सिचुएट है। नेक्स्ट द सील अफिक्स्ड ऑन इंपॉर्टेंट लेटर्स बाय द होली प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन द कस्टडी ऑफ हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। द सील अफिक्स्ड ऑन इंपॉर्टेंट लेटर्स बाय होली प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन द कस्टडी ऑफ हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नेक्स्ट है कि हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले मुस्लिम जज कौन बने, सैयद अमीर अली। हु बिकेम फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले मुसलमान जज जो बने थे उनका नाम था सैयद अमीर अली। नेक्स्ट है कि नो पर्सन शैल होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर मोर देन 2 कंजेकटिव टर्म्स,
कोई भी जो पाकिस्तान के अंदर यानी कि कोई भी जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है, जो प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभालना चाहता है, तो वो 2 अरसे से ज़्यादा यानी कि 2 दहाइयों से ज़्यादा वो नहीं रह सकता। मतलब 5 साल के लिए वो एक बार इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट, और अगर वो 2 बार इलेक्ट हो गया तो वो तीसरी बार इलेक्ट नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान के आइन में है। नेक्स्ट है कि बाई विच एक्ट ऑफ इंडिया वोमेन वॉज ग्रंटिड राइट टू वोट। इंडियन वोमेन जो है उनको कौन से एक्ट के तहत वोट देने का हक दिया गया, तो वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत औरतों को ये हक दिया गया कि उनको वो वोट दे सकती हैं। व्हेन डिड सर सैयद राइट हीज फेमस बुक असर उसनादीद। सर सैयद ने अपनी मशहूर किताब असर उसनादीद कब लिखी? 1847 में। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी मशहूर किताब असरार उसनादीद कब लिखी? 1847 में। नेक्स्ट है, हु वाज़ दी वाइस राय ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वाज़ पास्ड। उस वक्त कौन वाइस राय था जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में पास हुआ? तो वो थे लॉर्ड लैंडसडाउन। लॉर्ड लैंडसडाउन जो हैं ये उस वक्त वाइस राय थे इंडिया के, जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंदर जो है ये पास हुआ था। नेक्स्ट है, विच रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन वाज पब्लिश्ड। साइमन कमीशन की कौन सी रिपोर्ट पब्लिश हुई, मतलब कब उनकी पब्लिश हुई? तो वो मई 1930 में। साइमन कमीशन की कब जो रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई थी, तो वो मई 1930 के अंदर रिपोर्ट ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, विच वोमेन वाज पार्ट ऑफ द डेलीगेशन फर्स्ट सेंट टू UNO आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बनने के बाद पहला जो डेलीगेशन औरतों का भेजा गया UNO की तरफ, वो था, उसमें कौन शामिल था? बेगम सलमा तसद्दुक। विच वोमेन वाज पार्ट ऑफ द डेलीगेशन फर्स्ट सेंट टू UNO, मतलब और कौन सी बीबी या फीमेल शामिल थी जो पहला डेलीगेशन भेजा गया UNO की तरफ, तो उसमें बेगम सलमा तसद्दुक जो हैं ये शामिल थी। नेक्स्ट है, हु अनाउंस द कम्यूनल अवार्ड। कम्यूनल अवार्ड किसने अनाउंस किया? रैमजे मैकडोनल्ड ने। हु अनाउंस्ड द कम्यूनल अवार्ड, कम्यूनल अवार्ड जो है ये किसने अनाउंस किया था? ये अनाउंस किया था रैमजे मैकडोनल्ड ने। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड कुल हैज़ बीन रिपीटेड इन होली कुरान। कुरान पाक के अंदर कुल का लफ्ज़ कितनी बार आया है? 332 मरतबा। कुरान पाक के अंदर कुल का जो लफ्ज़ है ये कितनी मरतबा आया है? 332 मरतबा। नेक्स्ट है, नेम द सूरा ऑफ होली कुरान विच मैंशन द राइट्स ऑफ पेरेंट्स। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसमें माँ बाप के हकूक़ का जिक्र है? तो वो है सूरह लुकमान। विच सूरा ऑफ होली कुरान विच मैंशन द राइट्स ऑफ पेरेंट्स। सूरह लुकमान के अंदर माँ बाप के हकूक़ का जिक्र आया है। विच सूरा ऑफ होली कुरान थ्रो लाइट ऑन द हलाल एंड हराम ऑफ सैक्रीफिशियल एनिमल्स। वो कौन सी सूरत है जो जानदारों के हलाल और हराम होने के जो मसाइल हैं उनके ऊपर रोशनी डालती है? तो वो है सूरह आल इमरान। सूरह आल इमरान जो है वो जानदारों के हलाल या हराम होने के मतलब उनके मसाइल पे रोशनी डालती है। व्हाट वाज द एज ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व्हेन ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की उम्र कितनी थी जब आपने इस्लाम कबूल किया? आपकी उम्र 27 साल थी, और आपने सूरह ताहा जो है उसको सुनकर आपने बाकायदा इस्लाम को कबूल किया था। अच्छा, उसके बाद आएगा द सेकंड पापुलेट कंसेंस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड। जो यानी कि पहली तो हुई थी 1951 के अंदर मरदमशुमारी, दूसरी मरदमशुमारी हुई थी 1961 के अंदर। जो दूसरे नंबर पर मरदमशुमारी हुई थी वो 1961 में। पिक आउट द प्लेस वेयर हज़रत याहिया इज़ बरिड। हज़रत याहिया कहाँ पर दफन है? आप सीरिया के अंदर दफन है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम कहाँ पर मदफून है? आप सीरिया के अंदर दफन है। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान ये बुक किसने लिखी? डॉक्टर IH कुरैशी ने। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान ये बुक लिखी है डॉक्टर IH कुरैशी ने, इस बुक को लिखा। कायद आज़म केम बैक टू इंडिया ऑन द अपील ऑफ मुस्लिम्स इन 1934। कायद आज़म इंडिया वापस आ गए मुसलमानों की अपील पर कब? 1934 को। कायदे आज़म 1934 को मुसलमानों की अपील पे वापस आए थे इंडिया। मिस्टर II चंदड़ीगढ़ वाज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्राम 18 अक्टूबर 1957 टू 16 दिसंबर 1957। मिस्टर II चंदड़ीगढ़ जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे 18 अक्टूबर 1957 से लेकर 16 दिसंबर 1957 तक। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वाज एस्टैब्लिश इन 1953। पाकिस्तान की जो काउंसिल है साइंटिफिक, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
ये कब एस्टैब्लिश हुई? ये 1953 के अंदर एस्टैब्लिश हुई। विच सूरा होली कुरान थ्रो लाइट ऑन द इस्लामिक लॉज रिलेटिंग मैरिज एंड डाइवोर्स? तो वो है सूरा निसा। सूरा निसा जो है ये कुरान पाक की वो सूरत है जो इस्लामिक लॉज शादी और डाइवोर्स जो हैं उनके मसाइल के ऊपर रोशनी डालती है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कुनियत ऑफ हज़रत अबू बकर? हज़रत अबू बकर की कुनियत क्या थी? अबू अब्दुल्ला। हज़रत अबू बकर सदीक की कुनियत क्या थी? अबू अब्दुल्ला आपकी कुनियत थी। व्हेन क्वेटा वाज डिवस्टेटेड बाई सेवर अर्थक्वेक? कब बहुत ज़्यादा यानी कि क्वेटा के अंदर जलजला आया? 31 मई 1935 को क्वेटा के अंदर बहुत सख्त तरीन जलजला आया 31 मई 1935 को। वेयर फोर्ट मोनरो इज़ लोकेटेड? फोर्ट मोनरो कहाँ पर लोकेट है? डी जी खान में। फोर्ट मोनरो कहाँ पर लोकेटेड है? डेरा गाजी खान के अंदर लोकेटेड है। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है? लेवोइजियर। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किन को कहा जाता है? लेवोइजियर को, लेवोइजियर को। नेक्स्ट आएगा, द रेसिटेशन ऑफ फर्स्ट कलमा इज कॉल्ड तहलील? द रेसिटेशन ऑफ फर्स्ट कलमा इज कॉल्ड, पहला कलमा पढ़ना तहलील कहलाता है। पहले कलमे की तिलावत करना या पढ़ना तहलील कहलाता है। गिव द टाइप्स ऑफ ज़कात? ज़कात की टाइप्स क्या क्या हैं? कितनी हैं? चार। गिव द टाइप्स ऑफ ज़कात, ज़कात की टाइप्स हैं चार। व्हाट इज़ द सीरियल नंबर ऑफ सूरह कहफ इन होली कुरान? सूरह कहफ जो है उसका सीरियल नंबर कौन सा है? 18। व्हाट इज़ द सीरियल नंबर ऑफ सूरह कहफ इन होली कुरान? होली कुरान के अंदर सूरह कहफ का कौन सा नंबर आता है? 18वां नंबर। विच अल्फ़ाबैट हैज़ बीन मैंशन मोस्ट इन होली कुरान? कुरान पाक के अंदर कौन सी अल्फ़ाबैट जो है उसको ज़्यादातर मैंशन किया गया है? अलिफ को। विच अल्फ़ाबैट हैज़ बीन मैंशन मोस्ट इन होली कुरान? कुरान पाक के अंदर कौन सा वो लफ्ज़ है जो सबसे ज़्यादा मरतबा आया है? अलिफ। नेक्स्ट, पिक आउट द सूरा विच इज़ लोकेटेड इन पारा 11 ऑफ होली कुरान? कुरान पाक के यानी कि 11वें पारे के अंदर कौन सी सूरत आती है? यूनस। पिक आउट द सूरा विच इज़ लोकेटेड इन पारा 11 ऑफ होली कुरान? कुरान पाक के 11वें पारे के अंदर सूरह यूनस जो है वो आती है। गिव द नंबर ऑफ टाइम्स एंड टाइम्स द नेम्स ऑफ हज़रत याकूब इज़ मैंशनड इन होली कुरान? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का कुरान पाक के अंदर कितनी मरतबा जिक्र आया है? 16 मरतबा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का कुरान पाक के अंदर कितनी मरतबा जिक्र आया है? 16 मरतबा। गिव द नंबर ऑफ रकूज इन सूरह आल इमरान? सूरह आल इमरान में कितने रुकू हैं? 20। सूरह आल इमरान के अंदर कितने रुकू पाए जाते हैं? 20 रुकू हैं सूरह आल इमरान के अंदर। इन विच सूरह द होली कुरान वाज ट्रांसलेटेड बाई लूथर? लूथर जो है उसने कुरान पाक का तर्जुमा किस जुबान में किया था? जर्मन। इन विच सूरह, सॉरी, इन विच लैंग्वेज द होली कुरान वाज ट्रांसलेटेड बाई लूथर? उसने जर्मन के अंदर जो है वो कुरान पाक का तर्जुमा किया। नेक्स्ट है दश्त लूत। दश्त लूत डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन ईरान? दश्त लूत नाम का जो डेजर्ट है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये ईरान के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सी सेपरेट एशिया फ्राम अफ्रीका? वो कौन सा सी है जो एशिया जो सेपरेट करता है एशिया को अफ्रीका से? तो वो है रेड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सी सेपरेट्स एशिया फ्राम अफ्रीका? रेड सी जो है वो एशिया को सेपरेट करता है अफ्रीका से। नेक्स्ट है पाकिस्तान पीस कीपिंग फोर्सेस सर्व्ड अंडर यूनाइटेड नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन कांगो? पाकिस्तान की जो पीस कीपिंग मोशंस हैं जो सॉरी मतलब पीस कीपिंग फोर्सेस हैं पाकिस्तान की, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के कहने के ऊपर पहली जंग उन्होंने कहाँ यानी कि उन्होंने कहाँ पर शिरकत की? कांगो के अंदर। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेज ने कांगो में अपना पहला ऑपरेशन किया। स्मॉलेस्ट कंट्री इन सेंट्रल एशिया? सेंट्रल एशिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? ताजिकिस्तान। सेंट्रल एशिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? ताजिकिस्तान। ईजी जेट, ईजी जेट जो है ये एयरलाइन है कहाँ की? यूके की। ईजी जेट इज़ द एयरलाइन ऑफ यूके। ईजी जेट जो है ये एयरलाइन है किस मुल्क की? यूके की। अब वेजल स्टेट, वेजल स्टेट क्या होती है? वन विच इज़ कम्प्लीटली अंडर द सुजरेनिटी ऑफ अनदर स्टेट। वेजल स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जो मुकम्मल तौर पर किसी और के कंट्रोल में हो। वेजल स्टेट इज़ वन इन विच विच इज़ कम्प्लीटली अंडर द सुजरेनिटी ऑफ अनदर स्टेट। नेक्स्ट है कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम क्या चीज़ होती है? अ कॉन्डोमिनियम इज़ अ पार्टिकुलर टेरिटरी ओवर विच जॉइंट डोमिनियन एक्सरसाइज्ड बाय टू आर मोर एक्सटर्नल पावर्स।
एक कॉन्डोमिनियम क्या चीज होती है? अ कॉन्डोमिनियम इज अ पार्टिकुलर टेरिटरी ओवर विच जॉइंट डोमिनियन एक्सरसाइज बाय टू और मोर एक्सटर्नल पावर्स। नेक्स्ट आएगा डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय। डिजिटल कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था? हार्वर्ड एकन ने। डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय हार्वर्ड एकन। बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के कहाँ 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 सिचुएट है? ये फ्रांस और स्पेन के दरमियान। बे ऑफ बिस्के इज सिचुएटेड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। टेम्पल ट्री, टेम्पल ट्री इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। टेम्पल ट्री जो है ये एक ऑफिशियल रेजिडेंस है श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका। टेम्पल ट्री इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट है ट्रांसवर्ल्ड एयरवेज। ट्रांसवर्ल्ड एयरवे ये एयरलाइन है यूएसए की। ट्रांसवर्ल्ड एयरवेज ये एयरलाइन है यूएसए की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट इस कॉल्ड कोरिट्स, सी ओ आर टी ई एस, कॉर्टिस। वो कौन सा मुल्क है जिसके पार्लियामेंट को कॉर्टिस कहते हैं? वो है स्पेन। स्पेन एक ऐसा मुल्क है जिसके पार्लियामेंट का नाम है कॉर्टिस, सी ओ आर टी ई एस। नेक्स्ट है पॉप बेनिडिक्ट द रिलीजियस लीडर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च बिलोंग टू जर्मनी। पॉप बेनिडिक्ट जो है ये एक रिलीजियस लीडर हैं रोमन कैथोलिक चर्च के, जिनका ताल्लुक है जर्मनी से। पॉप बेनिडिक्ट जो कि रिलीजियस लीडर हैं रोमन कैथोलिक चर्च के और ये जर्मनी से हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरियोग्राफी? कोरियोग्राफी का क्या मतलब है? द स्टेप्स एंड मूवमेंट इन डांसेस। कोरियोग्राफी का क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरियोग्राफी? द स्टेप्स एंड मूवमेंट इन डांसेस। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड। मौजूदा दौर के अंदर सबसे लंबी मोनार्की किसकी है? द किंग ऑफ थाईलैंड। द लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, मौजूदा वर्ल्ड के अंदर सबसे लंबी मोनार्की किस मुल्क की है? द किंग ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड का जो किंग है उनकी मोनार्की सबसे लंबी है। नेक्स्ट है द टेल ऑफ टू सिटीज़। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एक मशहूर नावल है, ये किसका है? चार्ल्स डिकेंस का। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एक मशहूर नावल है, एक फेमस नावल है, किसका? चार्ल्स डिकेंस का। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वुमेन रिसीव्ड नोबल प्राइजेज इन द कैटेगरी ऑफ लिटरेचर। बहुत ज़्यादातर औरतों को जो नोबल प्राइज दिया गया वो किस कैटेगरी में? वो लिटरेचर की कैटेगरी में। लार्जेस्ट नंबर ऑफ वुमेन रिसीव्ड नोबल प्राइजेज इन द कैटेगरी ऑफ लिटरेचर। नॉन अलाइन मूवमेंट वॉज स्टार्ट इन 1961। नॉन अलाइन मूवमेंट नैम जो है ये स्टार्ट हुई थी 1961 के अंदर, 1961 में। फ्री टाउन इज़ द कैपिटल ऑफ साइरा लियोन। फ्री टाउन जो है ये एक कैपिटल है कहाँ का? साइरा लियोन का। फ्री टाउन इज़ द कैपिटल ऑफ साइरा लियोन। नेक्स्ट है इसराइल स्नैच गुलान हाइट इन 1967 फ्राम सीरिया। इसराइल ने गुलान हाइट के ऊपर 1967 में कब्ज़ा कर लिया था। गुलान हाइट इसने किससे छीनी थी? सीरिया से। गुलान हाइट इसराइल ने सीरिया से जो है वो स्नैच की थी। नेक्स्ट है पेट्रा। पेट्रा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ जॉर्डन। पेट्रा जो है ये जॉर्डन की एक न्यूज़ एजेंसी है। पेट्रा जो है ये जॉर्डन की एक न्यूज़ एजेंसी है। नेक्स्ट है कवाचा, के डब्ल्यू ए सी एच ए। कवाचा इज़ द करेंसी यूनिट ऑफ जैम्बिया। कवाचा जो है ये करेंसी यूनिट है किसका? जैम्बिया का। कवाचा इज़ द करेंसी यूनिट ऑफ जैम्बिया। नेक्स्ट आएगा सनकोको, एस सी एन के ए के यू। सनकोको आइलैंड इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड जापान। सनकोको आइलैंड इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड जापान। सनकोको आइलैंड जो है ये चाइना और जापान के दरमियान एक डिस्प्यूटेड एरिया है। मई 31, 31 मई जो है वो हर साल किस लिए ऑब्ज़र्व की जाती है? नॉन स्मोकिंग डे के तौर पर। 31 मई हर साल ऑब्ज़र्व की जाती है नॉन स्मोकिंग डे के लिए, जो है मतलब कि 31 मई को ऑब्ज़र्व किया जाता है। आफ्टर यूएस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटॉमिक रिएक्टर्स आर इन फ्रांस। यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा एटॉमिक रिएक्टर्स जो हैं वो फ्रांस के अंदर हैं। सबसे ज़्यादा एटॉमिक रिएक्टर्स यूएसए के बाद ईरान के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है इन पावर पॉइंट द सिलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड टू। जो मतलब पावर पॉइंट के अंदर सिलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट जो होता है वो एक स्लाइड के ऊपर भी, यानी कि मौजूदा स्लाइड के ऊपर भी, किसी और स्लाइड के ऊपर भी, और सारी प्रेजेंट यानी कि स्लाइड्स के ऊपर भी जो है हम कर सकते हैं, इसके डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन के फील्ड में LTE से क्या मुराद है? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। इन द फील्ड ऑफ टेली कम्युनिकेशन LTE स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन।
A computer application program that displays data arrangement in rows and columns is called spreadsheet. एक ऐसी कंप्यूटर की एप्लीकेशन या प्रोग्राम जो कि डाटा को अरेंजमेंट करता है रोज़ और कॉलम्स में, वो होती है स्प्रेडशीट। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज मेजर्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, तो ये है पुशअप करना। विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप पुशअप करते हैं तो ये आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो उसको मजबूत करता है। नेक्स्ट है काबर रिवर। काबर रिवर जो है ये रिवर जॉइन इंडस रिवर नियर अटक, दरियाए काबुल जो है वो भी दरियाए इंडस का हिस्सा बन जाता है अटक के नज़दीक जाकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेथड बाय विच डाटा इज कन्वर्टेड फ्रॉम अ रीडेबल फॉर्म टू एन एनकोडेड वेरिएंट, तो ये है इंस्क्रिप्शन। वो कौन सा मेथड है जिसके अंदर डाटा जो है वो एक एनकोडेड फॉर्म में यानी कि कन्वर्ट हो जाता है, तो वो है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या चीज़ होती है? ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर इन एमएस वर्ड, तो ये है 1638। ये एक मैक्सिमम साइज है एमएस वर्ड के अंदर जो हम किसी भी करेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूजेज अ GUI इन्वायरमेंट। GUI का मतलब क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो हैं वो GUI को इस्तेमाल करते हैं। GUI के एब्रीवेशन क्या बनती है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड यूज़ प्रिंट स्क्रीन की। टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड, टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ ए स्क्रीन टू अ क्लिपबोर्ड यूज़ प्रिंट स्क्रीन की। नेक्स्ट है CRT। CRT होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन मॉनिटर्स। ये मॉनिटर के अंदर इस्तेमाल होती है कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ एंग्विश, ANGUISH। एंग्विश का सिनोनिम बनेगा एगोनी, AGONY। सिनोनिम ऑफ एंग्विश इज एगोनी। इन MS Excel वी कैन नॉट एडिट द कॉन्टेंट ऑफ द सेल बाई प्रेसिंग अल्ट की। अगर हम अल्ट की प्रेस करते हैं तो हम उस सेल के अंदर जो कॉन्टेंट है उसको एडिट नहीं कर सकेंगे। अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर्स इज बग्स। मतलब अगर सॉफ्टवेयर के अंदर एरर आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? बग। ए कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर्स इज कॉल्ड बग। एस्टोला आइलैंड। एस्टोला आइलैंड जो है ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के अंदर है, ASTOLA। एस्टोला आइलैंड जो है ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के अंदर लोकेट है, एस्टोला आइलैंड। नेक्स्ट आएगा कि विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर करंट स्लाइड के बाद एक और स्लाइड एंटर करने के लिए Ctrl+M प्रेस करते हैं। Ctrl+M दबाएं तो एक नई स्लाइड जो है वो एंटर हो जाती है। इन MS Word 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट मेन्यू। तो जो कॉलम्स की कमांड है ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर अवेलेबल नहीं होती। MS Word 2016 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट मेन्यू। तो इंसर्ट मेन्यू में यानी कि टेबल भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होते हैं, पेज नंबरिंग भी होती है, लेकिन कॉलम्स जो होते हैं ये वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है कि इन MS Excel विच फंक्शन ऑटोमेटिकली टोटल एक कॉलम और रोज ऑफ वैल्यूज़, तो ये है सम। सम का जो फंक्शन है ये एक ऐसा फंक्शन होता है MS Excel के अंदर जो कि कॉलम और रो के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको उसी वक्त उनका टोटल कर देता है। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर रीज़न फॉर अ ईमेल बाउंस। इनमें से कौन सा जो है वो एक मेजर रीज़न नहीं है ईमेल के बाउंस होने का? तो वो है डोमेन सर्वर इज़ डाउन। डोमेन सर्वर इज़ डाउन जो है ये एक मेजर रीज़न नहीं है किसी भी ईमेल के बाउंस होने का। नेक्स्ट है कि डिस्क क्लीनअप टू यूज़ एज अ डिस्क स्कैनर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। डिस्क क्लीनअप जो होता है वो एज अ डिस्क स्कैनर इस्तेमाल होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर। वेयर इज़ बैथसबा बीच। बैथसबा बीच जो कहाँ पर लोकेट है? ये बारबाडोस के अंदर। वेयर इज़ बैथसबा बीच, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये बारबाडोस के अंदर जो है ये बैथसबा बीच लोकेटेड है। उस डायरी या नोटबुक को जिसमें शायर अपना कलाम या मुंतखब इशार दर्ज करता है उसको क्या कहते हैं? ब्याज। उस डायरी या नोटबुक को जिसमें शायर अपना कलाम या मुंतखब इशार उनको दर्ज करता है तो उसको इस्तलाह में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्याज। विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू लिंक
एक्सेल वर्कशीट डेटा टू द वर्ड डॉक्यूमेंट, तो इनमें से क्या चीज़ इस्तेमाल नहीं होती, वो है विद द कॉपी एंड पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, विद द कॉपी एंड पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। इसके ज़रिए आप वर्कशीट को डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं भिजवा सकते, सिर्फ कॉपी और पेस्ट के ज़रिए। अच्छा, नेक्स्ट आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट सर्च इंजन, इनमें से याहू जो है ये सबसे पुराना सर्च इंजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट सर्च इंजन, तो वो है याहू। नेक्स्ट आएगा कि पाकिस्तान बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2017, पाकिस्तान जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2017 के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है वो एक रुकन बन गया था। वट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ टेबल टेनिस गेम, टेबल टेनिस गेम का पुराना नाम है पिंग पोंग, टेबल टेनिस गेम का पुराना नाम क्या है, पिंग पोंग जो है ये पुराना नाम है टेबल टेनिस का। अच्छा, नेक्स्ट आएगा टू एडिट इन एन एम्बेडेड एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सेल की वर्कशीट को एम्बेड करने के लिए यूज़ एक्सेल मेन्यू बार एंड टूल बार इन साइड द वर्ड एप्लीकेशन, उसके लिए हमें वर्ड एप्लीकेशन के अंदर ही एक्सेल का मेन्यू और टूल बार इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट है वेयर डज़ द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मीट एंड फॉर हाउ लॉन्ग, कहाँ पर और कितने अरसे के लिए, कितने वक्त के लिए जो है वो यूनाइटेड नेशन कमीशन जो है ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो मिलता है, तो वो जनेवा के अंदर लगभग हर साल 6 हफ्तों के लिए, इन जनेवा फॉर 6 वीक ईच ईयर ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है यूनाइटेड नेशन के ऊपर जो बना हुआ है वो हर साल मिलता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द फर्स्ट रेगुलर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड, पहला रेगुलर सेशन जो है मुस्लिम लीग का वो कब हुआ, दिसंबर 1907 में, पहला जो रेगुलर सेशन है मुस्लिम लीग का वो हुआ था दिसंबर 1907 के अंदर। नेक्स्ट है कि अंडर विच सी द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन इनेक्ट शिप रैक हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय द टीम ऑफ मैरीटाइम आर्कियोलॉजिस्ट, तो वो है ब्लैक सी, ये है ब्लैक सी। अंडर विच सी द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन इनेक्ट शिप रैक हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय द टीम ऑफ मैरीटाइम आर्कियोलॉजिस्ट, तो ये ब्लैक सी की जो ब्लैक सी के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज़ नोन एज, तो ये स्पैम कहलाता है, अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल जो है उसको हम स्पैम भी कहते हैं, अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल जो है उसको हम स्पैम कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग पोलिटिकल पार्टीज डिड नॉट बाइकॉट द साइमन कमीशन, इनमें से कौन सी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने साइमन कमीशन का बाइकॉट नहीं किया था, वो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसने साइमन कमीशन का बाइकॉट नहीं किया था, साइमन कमीशन का बाइकॉट हमने नहीं किया था। वॉट टर्म डिस्क्राइब्स अ पिक्चर दैट हैज़ बीन डिसाइज्ड बाई अ परसेंटेज, तो यह है स्केल्ड, SCALED। वॉट टर्म डिस्क्राइब्स अ पिक्चर दैट हैज़ बीन रिसाइज्ड बाई अ परसेंटेज, तो यह है स्केल्ड। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या नहीं, तो वो है विंडोज़ NT। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो जो विंडोज़ NT है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। MS Excel इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डाटा, MS Excel जो है वो डाटे को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, MS Excel इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डाटा। द प्रिंट टाइटल ऑप्शन इज यूज टू शो द स्पेसिफिक रो और कॉलम ऑन एवरी प्रिंटेड पेज, जो प्रिंट टाइटल होता है ऑप्शन इज यूज टू शो स्पेसिफिक रो और कॉलम ऑन एवरी प्रिंटेड पेज। अच्छा, उसके बाद आएगा कि ऐड और रिमूव प्रोग्राम, ऐड या रिमूव प्रोग्राम ये क्या कहलाता है, आ यूटिलिटी प्रोग्राम, ऐड और रिमूव प्रोग्राम इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम। इन वर्ड 2007 टू सिलेक्ट अ कॉलम ऑफ ए टेबल फ्राम बॉटम टू द टॉप, तो उसके लिए हमें शिफ्ट अल्ट और पेज अप दबाना पड़ेगा, शिफ्ट अल्ट और पेज अप। और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा कि वर्चुअल प्रिंटर, वर्चुअल प्रिंटर इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वोज यूज़र इंटरफेस एंड API रिजेंबल्स डेट ऑफ प्रिंटर ड्राइवर, वर्चुअल प्रिंटर जो होता है इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वोज यूज़र इंटरफेस एंड API रिजेंबल्स डेट ऑफ प्रिंटर डिवाइस। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।